आज हम करने वाले हैं हनी बी की रोल स्किन के साथ गेम प्ले। तो मैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। मैच स्टार्ट होते ही रोल्स देख लिए, रोल मतलब खतरनाक आए हुए हैं। गेम में काइजो वगैरह आया हुआ है, तो मैं जल्दी से जाके इस बंदे के साथ चिपक जाता हूँ। लेकिन ये बंदा मेरे को AFK क्यों लग रहा है भाई? मूवमेंट वगैरह कर ले वरना मेरा मोए मोए हो जाने वाला है। और यहाँ पे इस बंदे ने अभी तक कोई मूवमेंट नहीं की है। मैं बस यही देख रहा हूँ ये बंदा मूवमेंट करेगा या फिर यहाँ पर AFK ही पड़ा रहेगा। 2000 years later मेरे को अब इस पे गुस्सा आने लगा है भाई, मूवमेंट करना तो कुछ। और मैं इसको बूस्ट देने वाला हूँ अब। चलो मैंने इसको बूस्ट दे दिया, लेकिन अरे ये क्या मूवमेंट किया इसने? मूवमेंट करते ही लो भाई काइजू में। अरे ये बंदा काइजू है लोल। उसने दो बंदों को किल कर दिया है। अभी ये एक जगह पर ही घूमे जा रहा है। भाई एक जगह पे मत घूम, जाके किल कर क्यों एक जगह पे घूम रहा है? तो इसको जल्दी से बूस्ट दे देता हूँ। मेरे को वैसे भी लग रहा है भाई ये कुछ नहीं कर पाएगा। ओल लोल भाई तू वैसे जाके मार देता, लेजर मारने की क्या जरूरत थी? अभी मेरे को लग रहा है मेरा मोए मोए होने वाला है। अब ये बंदा एकदम यहाँ पे आके छिप चुका है और मैं इसको बूस्ट देने वाला हूँ भाई जल्दी से जल्दी। एक बंदा वेंट में से निकला है अभी सामने सामने ही। पता नहीं उस बंदे का रोल क्या था, गेम में इंजीनियर तो आया हुआ है ही नहीं, तो आई थिंक वो बंदा इम्पोस्टर होने वाला है। तो जल्दी से मैं इसको बूस्ट देता हूँ भाई। मार दे भाई जिस बंदे को मार। लोल ख़त्म भाई, ये मैच हम हार गए, जाने की मेरे होस्ट ने मेरे को इस मैच को हरवा दिया है। मतलब कि होस्ट ने मेरा मोए मोए करवा दिया, और क्या चाहिए यार होस्ट नू। चलो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में मैं फिर से बन के आ चुका हूँ हनी बी, और इस मैच में देखते हैं क्या होने वाला है। पहले तो मैं देखूँ कौन से बंदे के साथ चिपकना चाहिए, यही मतलब बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि पिछले मैच में मेरे साथ और लोन ब्राउन इम्पोस्टर है और मैं ब्राउन के साथ ही चिपक चुका हूँ। ये तो बुरा सीन हो चुका है और डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुका है। ऐसा करता हूँ मैं ब्राउन के साथ गद्दारी कर देता हूँ, ब्राउन को वोट आउट करके यहाँ से फिकवा देता हूँ तो जीत जाएंगे। तो मेरी बात सुनो सारे बंदे, ठीक है? ब्राउन अपना इंपोस्टर है, ब्राउन किल करके भाग आए, ब्राउन को सारे बंदे वोट आउट कर दो, और मैं हनी भी हूँ और मैं ब्राउन से ही अटैच था और इसने मेरे सामने सामने ही किल कर दिया है, तो मैं किसी और से अटैच हो जाऊँगा। चलो भाई ब्राउन का मैंने गेम बचा दिया है, और वाइट जैक जो है वो आई थिंक उल्टा गैस लेके मर चुका है, और इसी के साथ ही हमारा ब्राउन जो एक इंपोस्टर था वो गेम से बाहर हो चुका है। अब गेम में सिर्फ एक इंपोस्टर बचा हुआ है। मेरे को जल्दी से जल्दी कोई अच्छे बंदे के साथ चिपक जाना चाहिए। चलो देखते हैं कौन बंदा सेफ हो सकता है, मैं उसी के साथ चिपक जाने वाला हूँ। और ये पर्पल मेरे को सेफ लग रहा है, चलो मैं पर्पल के साथ अटैच हो जाता हूँ। चलो मैं पर्पल के साथ अटैच हो चुका हूँ, अभी मेरे को कोई टेंशन नहीं है। मेरे को पर्पल अपना बंदा भी जो सेफ ही लग रहा है एकदम। और यहाँ पे अरे पर्पल हमारा यहाँ पर ही क्यों खड़ा हो गया? और ये बंदा भी अपना AFK ही खड़ा है, पता नहीं क्यों। पर्पल का नेट कभी आ रहा है कभी जा रहा है, पर्पल का मूवमेंट जो है वो बेकार है एकदम, पता नहीं क्यों क्या हो रहा है पर्पल के। चलो मैं पर्पल को बूस्ट दे के देखता हूँ, क्या पता पर्पल का मूवमेंट जो थोड़ा है वो सही हो जाए। और ये यहाँ पर ओल लोल पर्पल अपना इम्पोस्टर है, और मैंने एक इम्पोस्टर को गेम से बाहर निकलवा दिया है। इसका मतलब ये अगर ये वाले पर्पल को इन्होंने वोट आउट कर दिया तो मैं ये मैच हार जाऊँगा, मेरा मोए मोए होने वाला है फिर से। मेरे को लग रहा है, मेरे को गंदी वाली फीलिंग आ रही है, मेरा मोए मोए होने वाला है। ग्रीन यहाँ पे खड़ा है और मेरा पार्टनर इसको थम्स अप दिखा रहा है, और नीचे से एक बंदा जो है वो डेड बॉडी के पास जा रहा है, जाने की मेरा मोए मोए पक्का होने वाला है। ओह लॉल डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुका है। अब मीटिंग में पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, वो तो सिर्फ भगवान को ही पता है। ये पर्पल बॉडी के पास उधर ही था ऑफिस साइड में, बस पर्पल नहीं था बस वहाँ पे। ग्रीन मेरे साथ था, इसने लाइट्स किया उसके बाद हमारे वहाँ पे, और पर्पल वहाँ पहले से था। तो यहाँ पे इन लोगों ने डिसाइड किया है मेरे पार्टनर को वोट आउट करने का, उतने में ही वाइट जैक ने मेरे पार्टनर को गैस ले लिया है, मतलब मेरे होस्ट को। इसका मतलब गद्दारी करना मेरे पर ही भारी पड़ चुका है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। ये तो दो मैच हारने के बाद मेरा मतलब पूरी तरह मोए मोए होने के बाद मैं आ चुका हूँ अपने तीसरे मैच में। आज बस मोए मोए पे मोए मोए हो रहा है। चलो टाइम मास्टर है मेरा फेक रोल, जल्दी से जल्दी किसी बंदे से अटैच हो जाता हूँ।
इस बार मैं इस बंदे से अटैच हुआ हूँ, आई थिंक ये बंदे का गेम प्ले अच्छा होगा और ये बंदा मेरे को जिता देगा, बाकी मैं इसको पूरा सपोर्ट करने वाला हूँ। जल्दी से चलते हैं, देखते हैं क्या सीन होने वाला है इलेक्ट्रिकल में। इलेक्ट्रिकल फिक्स करने जा रहे हैं ये बंदे, मैं भी इनके साथ ही देख रहा हूँ। ये बंदे सेफ है, जो बंदे इलेक्ट्रिकल सेफ करने आए हैं ये सारे बंदे ही सेफ हो जाने वाले हैं। चलो भाई देखते हैं अब क्या सीन होने वाला है। और डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुका है, 4-5 बंदे तो हमारे साथ ही थे, उनको छोड़ के देखते हैं। चलो यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है ये बंदों ने ग्रीन को वोट आउट करने का, लेकिन ग्रीन बोल देता है पहले ऑरेंज को करो, अगर ऑरेंज नहीं हुआ तो फिर मेरे को कर देना। तो हम सब बंदे यहाँ पे ऑरेंज को वोट आउट कर देते हैं और ऑरेंज अपना इम्पोस्टर निकल जाता है। तो गेम में सिर्फ एक इम्पोस्टर बचा हुआ है और जल्दी से मैं अपने होस्ट को वो दे देता हूँ। और मेरा होस्ट जो है वो इंजीनियर आया हुआ है, तो मैंने अपने होस्ट को बूस्ट दे दिया है। देखते हैं मेरा होस्ट अब क्या करने वाला है, ताकि ये सबो टेस्ट जल्दी से जल्दी फिक्स कर दे, इसीलिए ही मैंने इसको वो दिया है, बूस्ट दिया है। तो जल्दी से जल्दी, और ये क्या फिर से मीटिंग बिठा दी गई है, अब क्या होने वाला है मीटिंग में, देखते हैं मीटिंग में क्या सीन होता है। मुझे भाई पता चलेगा कौन इंपोस्टर है, बाकी भाई वो मैं गेस ले लूंगा। इसी के साथ जो व्हाइट जैक था उसने इंपोस्टर को स्पाई गैस ले लिया है और हम लोग इस मैच को भी जीत चुके हैं। तो चलो भाई चलते हैं अगले नेक्स्ट मैच में। नेक्स्ट मैच में मैं फिर से आ चुका हूँ हनी भी बन के। अभी तक कोई मैच भी मेरा एकदम परफेक्ट नहीं गया है, सारे मैच में मेरा मोए मोए हो रहा है और मेरे को MVP तक नहीं मिला है अभी तक, मतलब कि आज का दिन मेरा खराब चल रहा है। तो मैं अब सिल्वर के साथ चिपक चुका हूँ, देखते हैं सिल्वर के साथ क्या सीन होने वाला है मेरा। और सिल्वर हैकर तो नहीं है ये, क्या नहीं हैकर नहीं है ये, बस मेरे को ऐसा शो हो रहा था, ग्लिच होगा, व्यू का ग्लिच होगा। बाकी डेड बॉडी रिपोर्ट हो चुका है, देखते हैं अब। मैंने मैजिक करके देखा है, ने मारा था भाई ग्रीन को, ठीक है मैजिशियन हूँ, मैंने मैजिक करके दे। तो सायन को यहाँ पे बाउंटी हंटर गैस कर लिया गया है और सायन का यहाँ पे मोए मोए हो चुका है। अब बचा है गेम में सिर्फ एक इंपोस्टर, उसको भी निकलवाना है और हम लोग इस मैच को फिर जीत जाएंगे। तो जल्दी से चलते हैं, मेरा जो होस्ट है मैं इसको बूस्ट दे देता हूँ। और अपने होस्ट को जैसे ही मैंने बूस्ट दिया, और ये क्या मेरा होस्ट ने वेंट मार दिया, मतलब कि मेरा होस्ट इस मैच में भी इंजीनियर है। तो चलो भाई जल्दी से जल्दी इसको बूस्ट दे दिया है मैं, अब देखते हैं ये बंदा क्या करने वाला है। फिलहाल तो ये मतलब उठक बैठक कर रहे कभी यो वाले इवेंट में, और लोल शेरिफ ने ही मार दिया। यहाँ पे शेरिफ ने अपने बचे हुए इंपोस्टर को मार दिया है और इसी के साथ मेरे को मिल चुका है MVP और ये वाला गेम प्ले खत्म होता है। मतलब कि मजा आ गया, मतलब कि 4-5 मैच हारने के बाद मेरे को फाइनली एक मैच में एक तगड़ा सा MVP तो मिला। तो ये था हनी बी की रोल स्कीम के साथ गेम प्ले अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए गुड बाय।